लोकसभा चुनाव 2024 का जिस तरीके से तैयारियां पार्टियों की शुरू हो गई हैं, 3 दिन पहले ग्वालियर में अमित शाह का दौरा हुआ और 3 दिन बाद राहुल गांधी का दौरा होने वाला है। जीतू पटवारी भी तैयारियों की समीक्षा करके आज यहां से गए हुए हैं। जिस तरीके से ग्वालियर देश की वीवीआईपी सीटों में से एक गिनी जाती है, जहां से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे चुनाव जीते और हारे भी, और फिर बाद में जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। आइए आज हम एमपी तक की चौपाल पर जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की, वहां हम लोगों से जानते हैं कि इस बार के मुद्दे क्या हैं और ग्वालियर से किसको चुनावी समर में भाजपा और कांग्रेस से टिकट मिलने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ शर्मा। यहीं जीवाजी में आप पढ़ते हैं? हाँ, एमबीए फाइनेंस से सेकंड सेमेस्टर है। आपके ये सभी साथी? हाँ, सब साथी हैं, क्लासमेट हैं सारे। क्या इस बार लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या मुद्दा है? सर, वो स्पष्ट नतीजे हैं, मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और हमारा मत भी, मतलब हम भी इतने यूथ हैं तो सब बीजेपी को ही वोट जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में ना तो हमें कोई पीएम के लिए ऐसा कैंडिडेट दिखता है कि कोई है उसमें समझदार। राहुल गांधी जी तो ऐसे है नहीं है, और मोदी जी ने काफ़ी अच्छे काम कराए हैं, जैसे राम मंदिर है, तो हमें भी बस उन्हीं को वोट देना है और उन्हीं को जिताना। आप क्या मानते हो इस बार लोकसभा में क्या मुद्दे हैं, आप क्या चाहते हो? लोकसभा में इस बार बहुत सारे मुद्दे होंगे, जैसे रोजगार है और काफ़ी विकास किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काफ़ी विकास किया है, और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, जैसे कि GST है और क्या कहते हैं, और अन्य मोदी जी ने ट्रेनें भी सुविधाएं करवाई हैं ज़्यादा आबादी के चलते, और भी कई सुविधाएं मोदी जी ने दी हैं, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। युवाओं को लेके क्या क्या मुद्दे हैं या क्या चाहते हो युवाओं के आगे आने वाली सरकार क्या आपके लिए करे? हाँ सर, जैसे युवाओं में हम देख रहे हैं आज की तारीख में, मतलब कौशल की कहीं ना कहीं कमी है, तो उसका विकास किया जाए। इसके अलावा रोजगार के भी मतलब पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए, वैसे मतलब भर दें जैसे अपना आर्थिक विकास के साथ साथ मिलते हैं, लेकिन ये अभी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी तो है ही। तो ग्वालियर से अभी सांसद कौन है जानते? ग्वालियर से सांसद हमारे प्रधवान सिंह जी भी ग्वालियर से। अच्छा सॉरी, सांसद विवेक नारायण सेजवलकर। जी जी, तो जिस तरीके से आने वाले समय में किसको टिकट मिल सकता है, कुछ अंदाजा है? सर, जयवंत सिंह पवैया की ज्यादा संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है और RSS से भी उनका पुराना नाता है, तो लग रहा है कि जयवंत सिंह पवैया की प्रबल दावेदारी है। आप किसको मानते हो? सर, हम तो ग्वालियर के बस एक ही चाहते हैं, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वही ग्वालियर का संपूर्ण विकास करा सकते हैं। आप किसको चाहते हैं? सर, जैसे सिंधिया जी तो बहुत अच्छा विकल्प रहेगा एक, अगर मिलता है उन्हें टिकट तो। कांग्रेस से कौन आ सकता है? कांग्रेस से ऐसे मेरे को कोई चेहरा अच्छा नहीं दिखता, पर बीजेपी से तो सिंधिया जी का विकल्प सबसे बेहतर है। और इस बार भी जब CM का चुनाव था तो सिंधिया जी भी रेस में काफ़ी आगे थे, तो उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि सिंधिया जी एक बेहतर विकल्प रहेंगे बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, ये जीवाजी यूनिवर्सिटी की कैंटीन है, यहाँ और भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। किस तरीके से पूरे इस बार क्या क्या मुद्दा है आपकी नज़र में? मेरा मुद्दा तो ये रहेगा कि बच्चों को रोज़गार समय से मिलना चाहिए। बच्चा हर साल पास आउट हो जाता है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन उसको रोज़गार नहीं मिल पा रहा। और रोज़गार की यहाँ तक बात करें तो 104 पद स्वीकृत हैं हमारे जीवाजी विश्वविद्यालय में, और 28 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बची हुई हैं, और पूरा प्रभार दिया गया। अभी 100 करोड़ रुपये आया है PM प्रधानमंत्री ऊषा के माध्यम से हमारी यूनिवर्सिटी को चयनित किया है, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, चलाने के लिए लोगों की भर्ती कौन करेगा? तो बड़ा मुद्दा गंभीर है, क्योंकि कई फैकल्टी ऐसी हैं जो 500 रुपये में पढ़ा रही हैं, आप बताइए, बड़े असेंबली की बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी शिक्षा तभी देंगे जब हम अच्छे फैकल्टी को लेकर आएंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ के टीचर के बच्चे भी भारी पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ जीवाजी में जो काम हो रहे हैं या काम करने वाले तरीके हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ही निम्न स्तर के हो रहे हैं,
भर्ती नहीं निकलेगी, भर्ती नहीं निकलेगी तो वो ऐसे ही चलेगा। मतलब ग्वालियर जो जीवाजी यूनिवर्सिटी में टीचर है उनके बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटी बाहर पढ़ते हैं। हाँ बाहर पढ़ते हैं, हमारे यहाँ आसपास देखिए अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, एमिटी यूनिवर्सिटियाँ हैं, आईटी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो उनके यहाँ के लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या मतलब का खोलने का। 28 प्रोफेसर रेगुलर हैं और पूरी यूनिवर्सिटी उनके कंधों पे है और 104 पद स्वीकृत हैं, तो भर्ती करना जरूरी है। ग्वालियर से क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी हो सकता है, क्या संभावना है? तो लोकसभा से तो शायद ज्योतिराज सिंधिया जी भी हो सकते हैं, और भाजपा तो क्या संगठन की पार्टियां है तो वो ज्यादा खुलासा नहीं करती। नरोत्तम मिश्रा भी है, आदरणीय प्रभात झा भी है, तो संगठन तो किसी को भी खड़ा कर सकती है। ज्यादा कांग्रेस का सवाल है तो यहाँ पे सतीश अग्रवाल है और एक दो नाम भी है चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तक हो सकेगा तो शीर्ष नेतृत्व ही इसका वो देगा। क्या मानते हो आप लोकसभा में इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या किस तरीके का माहौल चल रहा है अब चुनावी, जिस तरीके अमित शाह अभी आए, राहुल गांधी आने वाले हैं, आप लोगों को जानकारी है राहुल गांधी आने वाले हैं? अभी पोस्टर लगे देखे हैं, राहुल जी आने वाले हैं, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी के पास में ही यहाँ रुकेंगे वो डीवीसीटी रोड पर? हाँ डीवीसीटी रोड पर रुकेंगे, किसी दूरी पे। राहुल जी आ रहे हैं लेकिन उनका जो नेतृत्व है वो ठीक नहीं है, मतलब वो अपने कांग्रेस पार्टी को ही ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, उनको संगठित करके नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे वो चुनाव लड़ेंगे? उनके सामने अमित शाह है, बीजेपी संगठित पार्टी है, तो उनको सोचना चाहिए कि हमें इनके मुकाबला कैसे करना है, है? अभी तो उनके जो इंडिया के जो घटक दल हैं वही ठीक से उनके साथ सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, तो ऐसे में कैसे चुनाव आगे ले जाएंगे? सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए थी, 100-125 दिन बचे होंगे मेरे ख्याल से आम चुनाव में, तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे राहुल जी के आने से कोई बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा बीजेपी के, मुझे लगता नहीं जी। ग्वालियर से कौन लोकसभा का उम्मीदवार हो सकता है इस बार, क्या लग रहा है आपको? किस पार्टी से? भाजपा से। बीजेपी से ज्योतिरादित्य जी हो सकते हैं, आदरणीय पवैया जी हो सकते हैं, और जो वर्तमान में सांसद हैं वो भी रिपीट किए जा सकते हैं, तीन नाम तो प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, इसके अलावा नरोत्तम जी का नाम भी कुछ लोग ले रहे हैं, लेकिन संभवतः ज़्यादा चांसेज होंगे सिंधिया जी के। ज्यादा चांसेज सिंधिया जी के होंगे, हमें ऐसे बात नहीं करेंगे आपसे, अगर आप बाबूजी मापदंड से बात करोगे तो करेंगे, एक तो फोटो पे नहीं बात करेंगे, आप बैठ जाओ हम पूरी बात करेंगे आपसे। नहीं अभी 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 मैं तो ये पूछ रहा हूँ मुद्दे क्या है लोकसभा के? कोई मुद्दा नहीं है लोकसभा के, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय जी, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना मुद्दे क्या चल रहे हैं, या यहाँ का कौन प्रत्याशी ये लेने में कहीं कोई मना करते हैं क्या? नहीं प्रत्याशी तो यही चल रहे हैं नाम, उनमें से कौन आ सकता है? अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है जो बैठी है, ज्योतिरादित्य जी का नाम भी है, जयवंत सिंह जी का भी है, कांग्रेस से अशोक सिंह जी का चल रहा है, सतीश अग्रवाल जी का चल रहा है। क्या मुद्दे क्या है इस बार, मुद्दे क्या चाहते हो आप, कैसी सरकार होना चाहिए, क्या कमी है या क्या आगे काम होना चाहिए? वो तुम बैठ के बात करो तो हम बतावे, फिर बात तुम खुश आप ही हो विस्तृत, एक किताब छोटी पच जाएगी, मुद्दे तो इतने हैं। नहीं, बताओ आप अपनी बात बताओ, इसको बंद करिए तो बताएंगे। नहीं कैमरे पे, हम तो कैमरे पे ही चलेगी खबर, तो हमें नहीं चलाना है अपनी खबर, क्योंकि कैमरे पे नहीं बोलना चाहोगे, खबर खुद ही सीधी सी बात, मतलब समझ में, सच का कोई सुनने वाला नहीं है ना, तो हम तो सच ही दिखा रहे, तो तुम दिखाते रहो। क्या जैसे आप क्या कहना चाह रहे, इसको बंद कर लो, पूरा कह देंगे, शॉर्ट में बता दो, पूरा कह देंगे, इसको बंद कर लो शॉर्ट में, क्यों बहुत डिटेल में कह देंगे जी, शायद आप इसको अदरवाइज नहीं लेना, जब आप छोटे हो गए तब के एमए किए हुए हैं, एमएलबी से बहुत जानते हैं, सब जानते हैं, एक एक मुद्दा है। माहौल कैसा चल रहा है शहर में, क्या है माहौल? कुछ भी चलता रहे उसमें थोड़ी अपभ्रंशता है, अगर कुछ पॉइंटों को हटा दिया जाएगा तो सही माहौल आएगा, नहीं तो स्थिति कुछ है, पहुंचती कहीं है, गाड़ी चलती कहीं के लिए और खड़ी कहीं आगे हो जाती है जी। कांग्रेस से कौन है अभी आपको अंदाजा? राहुल गांधी भी हाँ है ना, राहुल गांधी यात्रा चल तो रही है, आपके यूनिवर्सिटी के पास में आ रहे हैं, अब जी यही रुकेंगे, मैं ग्रामीण का हूँ इतना मेरी जानकारी में नहीं है, तो यार जी शर्मा जी से प्रेम मोहब्बत है तो चाय माई पी भी आ जाता, कोई मतलब कैमरे के सामने नहीं बोलोगे आप, पीछे बोलोगे, और भी लोगों से हम बैठे हैं,
जी क्या इस बार सर माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है चुनाव के लिए। बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में? मुद्दे तो किन मुद्दों पे चुनाव होगा? बेरोजगारी है, मेनली डेवलपमेंट पे इलेक्शन होगा। डेवलपमेंट को कौन सी पार्टी किस अप्रोच से लेके चलती है, अगर भारतीय जनता पार्टी पे लोगों को अगर विश्वास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को लोग समर्थन देंगे, और अगर कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है जैसे आपका रिजर्वेशन है, जैसे आपका MSP के मुद्दे, किसानों के मुद्दे में MSP को लेके बात कर रही है, तो इसमें से मुझे लगता है कि हो सकता है कि किसानों की सहानुभूति कांग्रेस को मिल सकती है ये। लेकिन अभी सभी संभावनाएं जो हैं, ये सभी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अभी दोनों के एजेंडे क्या आते हैं, उनके BJP किन मुद्दों को लेके पब्लिक मैंडेट में जाती है और कांग्रेस किन मुद्दों को लेके जाती है, ये उस समय डिसाइड होगा कि कौन सा वर्ग किसको समर्थन देता है। और आगे जैसे जैसे उम्मीदवारों की क्लियरिटी होती जाएगी तो ये लोकसभा का जो चुनाव होता है बेसिकली अभी तक का जो ट्रेंड रहा है वो पार्टी वाइज ज़्यादा होता है, मतलब कैंडिडेट पर उतना निर्भर नहीं करता है। अब जो लोकसभा का ट्रेंड है वो जब से अटल जी के टाइम से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि पहले जो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये पैटर्न होता है कि पहले अपन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेजोरिटी के बेसिस पर प्राइम मिनिस्टर को डिक्लेयर करते हैं, अपना लीडर का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन अब जो पैटर्न चला है अटल जी के टाइम से, इसमें चाहे हम स्टेट इलेक्शंस को देखें कि चीफ मिनिस्टर पहले से डिक्लेयर किया जाता है कि चीफ पर्टिकुलर एक व्यक्ति के फेस पर मांगा जाता है, ये बेसिकली ये जो फॉर्मेट है ये प्रेसिडेंटल फॉर्म में चलता है, या प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ चलता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अपने यहाँ अपन कॉन्स्टिट्यूशनली अपन ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करती है। अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ये प्रैक्टिकली डाइवर्ट हो रही है। जैसे आज हम देखें तो मोदी जी का फेस है, मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिल रहा है, ना कि किसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो खड़ा हो रहा है व्यक्ति उसको पब्लिक वोट नहीं कर रही है, वो सीधा मोदी जी के फेस को वोट कर रही है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारा जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, और एक ये बहुत ही सोध का विषय है, और आगे इस पर मुझे लगता है कि हमारी जनता को, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारी मीडिया को और हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो समाज के जागरूक तबका है, उन सबको इस चीज़ पर विचार मंथन करना पड़ेगा। बस ये बिल्कुल जो प्रोफेसर साहब ने बताया कि कहीं ना कहीं हमारी जो दिशा जो पॉलिटिकल है वो बदलती जा रही है और वो चेंज होती जा रही है, एक फेस के ऊपर जो चुनाव लड़ा जा रहा है,
हमारे साथ भी बाबूजी। और बाबूजी क्या माहौल चल रहा है इस बार लोकसभा का? सरकार आप देख ही रहे हैं जैसा माहौल है उसमें बताने के लिए क्या है, चौतरफा एक ही राज है, आप क्या कह सकते हैं, आप समझ ही रहे, देख ही रहे तो मोदी मोदी चारों हो रहे, क्या कह सकते हैं, चाहे वो कुछ हो और चाहे ना हो, लेकिन भीड़ ऐसी है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, आंधी है आंधी बस। लेकिन अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ये पूरा सिस्टम चेंज होता जा रहा है, एक चेहरे पे चुनाव, जो हमारा सिस्टम तो था अभी, नहीं अभी अभी केवल दो आदमी केवल चुनाव लड़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, नहीं आप इसकी उठा के देख लें, अमित शाह और मोदी, जो ये कर रहे हैं वो हो रहा है और वो ही चल रहा है, तो जो भी हो उसको सबको मानना पड़ता है, उठा करके ला के धर दिया उनने ऐसे, तो उसके बाद किसी की औकात नहीं है, कोई भी उनका बड़े से बड़ा लीडर है वो उसको अपोज नहीं कर पा रहा, जिसने अपोज किया दूसरे उसकी नाम लेना बंद हो जाता है। अपने आपने अभी चार प्राइम मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे, उन्होंने 8 दिन हंगामा किया अपने खुद की सीट के लिए कि हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, क्या हुआ 24 घंटे पहले उनको बुला करके मैनिपुलेट किया, उन्हीं ने उनको आगे प्रपोज कर दिया कि नहीं साहब इनको सीएम बनाइए, सब गड्ढे में से निकाल करके धर दिए, उन्होंने कहा ये है, और उन चारों का आज ना फोटो है ना नाम है ना किसी मंच पर उनका नाम लेवा है कोई। शिवराज सिंह ने काम किया है 20 साल के अंदर, ऐसा नेता नहीं था कि उसको आप इतना एकदम निकाल के दूध की मक्खी इतना फेंक दें, मतलब आपके हिसाब से अभी फेंक दिया है, बिल्कुल फेंक दिया है। अब मैं इस बात को गलत थोड़ा कह रहा हूँ, अब जग जाहिर चीज है, जग जाहिर चीज है, आप देख रहे हैं सामने आपको सब दिख रहा है, आप मुझसे यहाँ देखते हैं ग्वालियर के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा के? नहीं सर, मैं तो जनरल मुद्दे बात बनाना चाहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री तक आवाज जाती है शासन प्रशासन और आपके द्वारा, तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर ध्यान दे दें, ये दोनों ही माफिया हैं, दोनों ही माफिया हैं, मैं फिर कह रहा हूँ दोनों ही माफिया हैं, और इतने बड़े माफिया हैं जिनका कोई वो नहीं है, एक बच्चा आम आदमी अपने बच्चे को शिक्षा नहीं करा सकता, अभी जैसे सर ने कहा था सबसे पहले बोल रहे थे वो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही उनके बच्चे अवार्ड बाहर पढ़ने जाते हैं, खुद नौकरी करने तो यहाँ आते हैं, उन्हें टी ए डी ए और कॉपी जांचने पैसा यहाँ से चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को अमेठी पढ़ाना है, बेंगलोर पढ़ाना है और बाहर पढ़ाना है, यहाँ क्यों नहीं? वाह, ये उनसे कोई पूछने वाला पैदा नहीं है, जितना भी चाहिए आता जाए, मिलता जाए, लेते जाए, धरते जाए, ये चीज़ है। मैं मानता हूँ मैं बीजेपी बिलोंग करता हूँ, कांग्रेस से मेरा कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कांग्रेस में कोई नेता भी नहीं है, जो नेता हुआ करते थे वो खत्म हो चुके, और जिनको चाहिए था बनाना नेता वो बन नहीं पाए, और कांग्रेस में एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर सुन रहा मेरे भाई तो सुन ले बिल्कुल, कि कांग्रेस ने कभी भी अपने परिवार बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को आगे नहीं किया, जो बीजेपी करती चली आ रही है और आगे भी कर रही है, आज आप देखिए कहां से चली थी कहां आ रही है। अभी खटके जी पिछले एक महीने पहले ही संसद में बोल रहे थे कि हमसे तो हमारे 496 विधायक छीन लिए, तो क्यों छीने और क्यों गए वो और आज भी क्यों जा रहे हैं? अरे कुछ तो कारण होगा, आप उसको मंथन ही नहीं कर रहे, आप अभी आ रहे हैं राहुल गांधी आ रहे हैं अपनी न्याय यात्रा लेकर के, जीतू पटवारी चले आ रहे हैं, लेकिन कोई चीज कुछ पूछने, ये जो काम इन्होंने अब किया है इनको 10 साल पहले कर देना चाहिए था, कांग्रेस का भविष्य आज कुछ और होता, ये चुनाव इन्हें बहुत अच्छी और ताकत से लड़ा था जिसका इनको परिणाम ये मिलना नहीं चाहिए था, बिल्कुल सही थी कि लोगों में हवा थी कि 110 और 100 110 के आसपास कांग्रेस की सीटें आएंगी और आना भी चाहिए थी, लेकिन क्या किया इन लोगों ने ये भगवान जाने, ये इन लोगों के मंत्र। ग्वालियर से कौन प्रत्याशी हो सकता है इस बार आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से? देखिए सर, ग्वालियर से प्रत्याशी के लिए दो नाम बड़े मुखर है जो होना भी चाहिए, बाकी तो बहुत से नाम है, ज्योतिराज सिंधिया के लिए नाम चल रहा है लेकिन मैं नहीं समझता कि वो चुनाव लड़ेंगे, एक जयवान सिंह एक नाम है, अब उसको इस खिचड़ी में पकने दिया जाता है या नहीं दिया जाता ये देखिए, पिछले 6 साल के अंदर 4 वायदे करके उनको बैठा दिया गया, नहीं आज से 3 साल पहले वो राज्यपाल बन गए होते, उसके बाद उनको विधायकी के बाद इंडिया कुछ भी नहीं दिया गया, आज भी बैठे हैं बेचारे क्या करें, लेकिन ऐसा नेता है जो वाकई नेता है, मैं पर्सनल मिला हुआ हूँ, मेरे पर्सनल उनसे संबंध भी है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे संबंध है, लेकिन मैंने जितनी देर मिला वो मेरे नाम से भी नहीं जानता हूँ, ये बाइट देख लेंगे तो कहेंगे कि हाँ मैं जानता हूँ इसको, इसके अलावा कुछ नहीं, अच्छा नेता है, जमीनी नेता है, समझदार पढ़ा लिखा नेता है, सबसे बड़ी बात यह है, कोई बात कहो तो आप सुनता है, अगर नहीं करने लायक होगी तो साफ आपके मुंह पे स्पष्ट कह देगा कि नहीं ये नहीं हो सकता और ये मैं कर नहीं पाऊंगा, बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से देखा ये ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में मिली जुली प्रतिक्रिया दिखाई दी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर ज्यादा रुझान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जिस तरीके से उभर कर आ रहा है सर्वेश पुरोहित MP तक ग्वालियर।